युवराज सिंह को क्या खास बनाता है? क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी से मैच जीता सकते हैं, अपनी गेंदबाजी से मैच जीता सकते हैं, अपनी फील्डिंग से मैच जीता सकते हैं और सामने वाली टीम के धागे खोल दे। 2000 में 19 वर्ष की आयु में अपनी पहली पारी में युवराज सिंह ने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के खिलाफ शानदार शुरुआत की और उन्हें अपनी पहली पारी में ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। 2002 चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महान मैच में से एक रहेगी, लेकिन लोग अक्सर इस मैच में युवराज की फील्डिंग के बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने डाइव करके और हवा में उड़ते हुए कैच लिए थे। 2009 दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। दबाव के क्षण में युवराज सिंह ने लिया कैच। भारत ने यह मैच 1 रन से जीता। फिर एक बार अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे। बल्लेबाज युवराज सिंह की ओर गेंद को मारता है। आज डायरेक्ट हिट के लिए जाने के बजाय वह पूरे रास्ते दौड़ते हैं और एक जोंटी रोड्स की तरह डैब करते हैं और किंग्स 11 पंजाब टीम ने 1 रन से मैच जीत लिया। वह एक ओवर में 6 छक्के लगाकर असंभव को संभव कर सकते हैं और यह कुछ ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रूप इतिहास अपना नाम जोड़ लिया। Just a flick of the wrist. Can sound react, get me in. Just a flick, nothing. This is Kingsmead, there's another. Look at the technique, right foot out. Now a red make a difference. It doesn't. Singh, 38 from 10 deliveries. Five! Ball to go. Could he make it 6 out of 6? What? Clean as you like. Here he goes again. It's up there somewhere. Kingsman. And here goes Broad. Last ball of the... And he's put it away. Oh, has he? Yes! Into the crowd. 2011 के विश्व कप में युवराज सिंह 50 प्लस स्कोर बनाने वाले और 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2011 के विश्व कप में उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। उनसे कई और शानदार प्रदर्शन हैं और भारत के लिए कई मैच जीतने की उनकी क्षमता उन्हें वास्तव में एक विशेष क्रिकेटर बनाती है।